यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को. What a friend in Jesus we have, right? Welcome back to the other 167. मैं हूँ वंदना और लेकर आई हूँ आपके लिए बाइबल से एक खास बात. जय मसीह की, हर शय मसीह की, right? हर चीज खुदा की है. और कितना प्यारा दोस्त है वो हमारा, उम्दा, द बेस्ट फ्रेंड, जिसने अपनी जिंदगी हमारी जिंदगी के लिए कुर्बान की. हमारे बोझ को, मुसीबतों को, दुखों को उठाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है और उठाता भी है. तो आपके भी दोस्त होंगे, है ना? आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते होंगे, बातें करते होंगे, खाते पीते होंगे, साथ में पढ़ते होंगे, और आप उसके काम आते होंगे, वो आप लोगों के काम आते होंगे, है ना? पर क्या कभी आप अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज आज से, अभी से अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए. आपके दोस्तों को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है. बड़ा प्यारा वचन दे रही हूँ आज आपको, अय्यूब की किताब से निकालिए, उसका 42 चैप्टर वर्स 10. यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की तो यहोवा ने उसके सारे दुख दूर कर दिए. आप अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसमें आपका ही फायदा है, राइट? कितनी प्यारी बात है ना. योर फ्रेंड्स नीड योर प्रेयर्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आप अपने दोस्तों को देखें, उनकी जरूरतों को देखें, उनकी इच्छाओं को देखें, वो क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी बातों के लिए आप दुआ करें, प्रार्थना करें, और इससे क्या होगा, आपके दुख भी दूर हो जाएंगे. व्हाट अ ब्यूटीफुल सेटअप इट इज ना. खुदा का हम कोई भी काम करें प्रार्थना के जरिए, वचनों के जरिए, खुदा हमें देखता है, हमें अवार्ड करता है, हमें अप्रिशिएट करता है वो, है ना? सो यही आज का मेरा मैसेज है आपके लिए. अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कीजिए और निरंतर उनके लिए प्रार्थना कीजिए. वचन में लिखा भी है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, और आप देखेंगे कि कैसे आपका और आपके दोस्तों का जीवन खुदा में बड़े ही प्यारी तरीके से ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा. प्रभु का वचन सच्चा है, अच्छा है, और वो हमारे लिए द बेस्ट मेडिसिन है. गॉड इज गुड ऑल द टाइम. खुदा से यूं ही लिपटे रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कीजिए. ओके, सो स्टे ट्यून्ड टू द अदर 167. गॉड ब्लेस यू.